बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपको यहाँ पे धांधली बताना चाहता हूँ कि किस तरह इन्होंने धांधली की है। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में, कुरंगी टाउन में जो डीसी है, डीसी यहाँ धांधलियां करवा रहा है, जो डीआरओ है, रात के टाइम लोगों को बुला के शाह फैसल से यहाँ पे इन्होंने टेम्परिंग की है। अच्छा, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है। आज जरा मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किया क्या है। ये वो फॉर्म है जो फॉर्म 11 जो कि सब पोलिंग एजेंट्स को दिया, इसमें वोट है 277, ठीक है। नून लीग के वोट है 277, पीटीआई के 378। इसके बाद ये इसका दूसरा पेज आ जाता है। ये तीसरे पेज में अगर आप आएंगे जो इन्होंने टेम्पर किया है, 277 को 377 कर दिया है, 377 यहाँ पे भी, 377 यहाँ पे, 377 700 को 855, क्योंकि 100 वोट इन्होंने यहाँ बढ़ाया, ठीक है। इसी तरह आ जाए इसके फॉर्म 12 पे। फॉर्म 12 में देखे 700 को 853 कर दिया है, 877। अब आप ये देखें, ये एक हो गया फॉर्म, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप आए, ये 100 वोट मिले हैं नून लीग को, 143 मिले हैं पीटीआई को। इसके बाद उस 100 को 180 कर दिया है, देख रहे हैं आप, 100 को 180 कर दिया है। और इसी तरह यहाँ पे आ जाए आगे टोटल में देखें, ये देख लें 300 कुछ वोट थे, 413 कर दिए यहाँ पे। इसके फॉर्म 12 में आ जाए, ओवर राइटिंग हो तो एक जगह, अच्छा ये 413 नहीं हो रहे थे, 335, इसको काट के 413 कर दिया है, इसको काट के 413 कर दिए। इधर देखें टोटल में, अब आ जाए जी ये सारे फॉर्म हमारे पास पड़े हुए। इसी के साथ देखें 254 वोट शेर को मिले, 122 बल्ले को। अब इसमें अगर आप आगे जाते हैं जो टेम्पर्ड किया है, 254 को 354 कर दिए, देख ले सामने नजर आ रहा है 254, इसको 354 कर दिया है, यहाँ पे भी बढ़ा दिया यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक कर दी उन्होंने, इसमें आप देखें कि टोटल वोट 562 थे, 562 यहाँ पे ये चेंज करना भूल गए। ये वो फॉर्म है जो इन्होंने सब एजेंटों को दिया था, 562 वोट इनको यहाँ पे भी बढ़ाने थे, यहाँ पे बढ़ाना भूल गए, क्योंकि जो चोरी करता है वो गलती तो जरूर करता है। अब आप देखते रहे आगे आ जाए, ये 113 वोट हैं शेर के और 349 वोट हैं बैट के। अब आगे आ गया इसमें जी, ये टेम्पर्ड करके 113 को इन्होंने 413 कर दिया है, इसको 413 कर दिया है। इसी के साथ आप आगे आ जाए, अच्छा अब 413 किया, ये हो नहीं सक रहा था इनसे, 300 वोट बढ़ाने थे, 599 को नहीं कर सक रहे थे, इन्होंने यहाँ पे 899 कर दिए। हर जगह आ जाए जी, 169 इनके वोट है, ठीक है लॉइन के, और 190 बैट के। ये देख लें टोटल सारी चीजें। अब इधर आ जाएं, ये 169 को इन्होंने 169 को 269 किया, 269 यहाँ पे देखे, अच्छा ये जो यहाँ पे देखे, अच्छा ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, इसी तरह ये 132 वोट थे इनके, 132 वोट थे पीटीआई को, 134, 132 को 232 किया, 232 किया, 4 को 5 कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे 81 वोट है, 41 वोट है इनके जो इन्होंने दिया है, 81 वोट है यहाँ पे, इन्होंने 281 कर दिया, यहाँ पे देखे चेंज नहीं कर सके, 461। मुझे बताएं ओवर राइटिंग करनी है, थोड़ी सी जगह करेंगे, हर जगह देखे आप, जरा देखते रहें। ये मैं आपको एक यूसी की सिर्फ बात बता रहा हूँ, और इस एक यूसी की आपको मैं बात बता रहा हूँ, और उसके साथ अगर आप ये देखेंगे ये रिजल्ट है इनका, रिजल्ट में टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल जो हुए 7725 हुए। अगर ये सारे नंबर आप टोटल करें तो ये 8000 से ज्यादा वोट हो गए, आप बात समझ गए, तो ये रिजेक्ट भी हुए 8000 से ज्यादा वोट है, जबकि बता रहे हैं कि वैलिड वोट है 7725, ये 8078 वोट है। मुझे बताएं ये धांधली चल रही है, हमारी लीड थी 400 की, हमारी लीड थी और हमें हरवाया इन्होंने 600 की लीड से। मुझे बताएं ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो ये कर रही है जरदारी माफिया। डीसी मिला हुआ है, डीसी में, डीसी आपसे सवाल करता हूँ, आप डीआरओ, आप अपने घर पे किस तरह रहते हो, आप अपने बच्चों को किस तरह फेस करते हो, अल्लाह ने आपको एक मकाम पे बिठाया था, आपका काम बता था, आपने इनकी बातें नहीं माननी थी, आप लोग कहते हो हम मजबूर है, आपका पूरा स्टाफ कहता है, बाकी जितना अमला है वो कहता है सर हम मजबूर है, आपके सामने चीजें हो रही है, तो यार खुदा को भी आपने जवाब देना है। आप लोग ये हरकतें करेंगे, आप लोग अल्लाह को जवाब दे नहीं हो, आप लोग अपने बच्चों से आंखें किस तरह मिलाते हो, आप जब जाते हो अपने बच्चों को किस तरह देखते हो, आप उनको बताते हो बच्चा या आपका बाप ये हरकत करके आया, ये लोगों का वोट चोरी करके आया, लोगों की मैंडेट चोरी की है इन्होंने, तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए जो आप लोग ये हरकतें कर रहे हो। तो इंशाल्लाह ये हम आपको होने नहीं देंगे, हम यहाँ दमादम मस्कल अंदर करेंगे, हमारा मैंडेट चोरी करने हम कभी भी नहीं देंगे। इसी तरह पूरी कुरंगी में, पूरी कुरंगी में, शाह फैसल में हमारी यूसी हमें इस तरह हराई गई है,
हमारे पास फॉर्म 11 पड़े हुए, फॉर्म 11 पड़े हुए, जिसके पास जाओ सब कहते पीछे से फोन आ रहा है। और भाई ये कौन है पीछे जो फोन कर रहा है आपको? आपको मनना नहीं है, हमने अपनी हुकूमत कुर्बान की, इमरान खान ने अपनी हुकूमत कुर्बान की, स्टैंड लिया, इंसान स्टैंड लेता है, ये ओहदे आने जाने वाली चीज है। इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में होती है। आप इस सीट के चक्कर में, इस ओहदे के चक्कर में, इस नौकरी के चक्कर में आप हमें कहते हो हमें माफ करना, हम क्यों आपको माफ करें? आपको अल्लाह ने एक ओहदा दिया, आप स्टैंड ले, इंसान स्टैंड लेता है, आपको शर्म आनी चाहिए। ये हाल कर दिया पाकिस्तान का आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह इस पे हमारी जंग होगी, हम लड़ेंगे आखिरी हद तक और हम आपको नहीं छोड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई हम पूरी करेंगे, हमारा एहतजाज हमारा हक बनता है। इंशाल्लाह एहतजाज हम ऐसा करेंगे आपको लग पता जाएगा। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद पे निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।